मेट्रिसेस को प्रिंट करने के डिफरेंट वेज, ये नॉर्मली पिछली क्लास की जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसके लिए ये वीडियो है। तो प्रिंटिंग मेट्रिसेस इन डिफरेंट वेज, एक मैट्रिक्स को अलग अलग तरह से कैसे प्रिंट करें, मतलब मैं सारे मैट्रिक्स को प्रिंट करने के तरीके यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ पर पार्ट्स में कि ये मैट्रिक्स जो है तो इसमें अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, ऑफ डायगोनली अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर कैसे इसको प्रिंट करें, इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है इन नॉर्मल इंडिसीज में, ये मैंने यहाँ इंडिसीज इसकी 1 से 7 तक दिए हैं, जो कॉलम रो इंडिसीज हैं वो भी 1 to 7 वेरी हो रही हैं और रो इंडिसीज हैं वो भी 1 to 7 वेरी हो रही हैं। तो यहाँ इसको हम ये मान रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट और एक नंबर n पर एंड हो रही है, यहाँ पर n हमने 7 ले लिया है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें, सी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो वहाँ पर ये इंडिसीज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखना चाहते हैं कि ये सी प्रोग्रामिंग में जैसी मैट्रिक्स आती है वैसी आ जाए, तो उसमें क्या होगा, इंडिसीज को हमने चेंज कर दिया 0 से स्टार्ट करके n-1 तक, ये इसी तरह से y एक्सिस पर, और यहाँ पर जो पहले a11 से a77 तक एलिमेंट्स जा रहे थे वो एलिमेंट्स अब a11 से a66, 100 से a66 तक जा रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, i की वैल्यू 0 से 6 तक वेरी हो रही है और j की वैल्यू भी 0 से 6 तक वेरी हो रही है। यहाँ a जो सबस्क्रिप्ट है उनको मैं i और j कह रहा हूँ, a मैट्रिक्स की जो सबस्क्रिप्ट है उनको i और j कह रहा हूँ, मतलब i और j की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक वेरी हो रही है। तो जो भी i और j पर कंडीशंस लगेंगी वो उसके अनुसार लगेंगी। इन जन ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल ही है जिसमें n=7 है और जनरल में इसको हम एन ही लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें आई की वैल्यू 0 से n-1 तक, जे की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी हो रही है। अब मान लें हम ये जो रेड जोन में जो एलिमेंट्स बना दिए, जिन एलिमेंट्स को रेड कलर्ड कर दिया है, इनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इनको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम देखें सबस्क्रिप्ट में, तो इनकी सबस्क्रिप्ट आई और जे है, उनका एडिशन जो भी रेड में है उनका सबका 7 से कम है, 7 n की वैल्यू है, मतलब i और j है वो हमेशा n से कम होना चाहिए यदि सिर्फ रेड वालों को प्रिंट करना है। तो अर्थात हम पहले i पर कंडीशन लगाएंगे, i=0 to 7 वेरी करेगा और उसमें स्पेसिफिकली j कितना वेरी करे, तो j है वो इस तरह से वेरी होना चाहिए कि i+j शुड बी लेस देन n। तो हम या तो कंडीशन लगा सकते हैं i+j शुड बी लेस देन n, या हम अकेले j पर कंडीशन लगाएं तो उसको कंडीशन को चेंज कर सकते हैं j शुड बी लेस देन n-i, आप चाहो तो वहाँ i+j लेस देन n भी कंडीशन लगा सकते हो। उसके बाद में हम यदि प्रिंट करना चाहें, ये ऑरेंज वाला, जैसे मैंने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया है, अब ये ऑरेंज वाला पार्ट हम प्रिंट करना चाहें तो इसमें क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में देखते हैं कि पहली सबस्क्रिप्ट दूसरी सबस्क्रिप्ट से बड़ी या बराबर है ऑरेंज वाले पार्ट में, मतलब जे की वैल्यू है वो हमेशा आई से कम या आई के इक्वल रह रही है, जे सेकेंड सबस्क्रिप्ट है और आई फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है। अब हम एक और मेथड देखते हैं, मैंने जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको ग्रीन कलर में रख दिया है, पिछला जो मैट्रिक्स था जिसमें नीचे वाले ऑरेंज ही थे लेकिन डायगोनल वाले जो हैं वो उसमें ऑरेंज में थे उनको ग्रीन में कर दिया है। तो अब यहाँ 3 कंडीशंस आ गई हैं, जो ऑरेंज है वो जे लेस देन आई को डिनोट करता है, जो ग्रीन है वो जे इक्वल टू आई को डिनोट करता है, और बाकी जो बच गए हैं ब्लू जोन वो जे ग्रेटर देन आई को डिनोट कर रहा है। तो ये है यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिसेस का मेथड। अब मान लो हमें सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू जोन को ही प्रिंट करना हो, तो यहाँ पर कंडीशन जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई हो जाएगी, मतलब जे की वैल्यू है वो आई से स्टार्ट हो रही है, और इस तरह से हमें यदि इनको प्रिंट करना हुआ ब्लू
ग्रीन जोन को, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सिर्फ उस समय जब है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये रहेगी जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये प्रिंट में नहीं आएगा और उस वजह से सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट हम कंडीशन जो लगा रहे हैं उसके अनुसार वैनिश हो जाएगा और उससे सी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट लाइन में जब भी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है लाइन के शुरू से स्टार्ट होती है, इस वजह से ये A11 ये जो ग्रीन जो एलिमेंट्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे और ये शिफ्ट होके इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये जो आउटपुट आया है इसमें हमें जो प्रिंट करना था उस फॉर्म में प्रिंट नहीं हुआ, मतलब आया आउटपुट वही है जो हम चाहते थे लेकिन ये आउटपुट का प्रिंट है वो बदल गया है, A11, A22, A33 ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ये अब एक कॉलम में आ गए हैं। तो इसको बदलने के लिए हमें एक कंडीशन अलग तरह से लगानी पड़ेगी कि जब J लेस देन आई हो तो वो सिर्फ वाइट स्पेस प्रिंट करे, अदरवाइज जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उसमें एलिमेंट को प्रिंट करे, इस तरह का चेंज हमें करना होगा। यहाँ इसी तरह रेड वाले पार्ट को भी देखें तो अब मैंने चेंज कर दिया जो हमने पहले देखा था रेड वाला पार्ट जिसमें एलिमेंट्स को रेड में किया था, लेकिन ये जो ऑफ डायगोनल जो है, जो डायगोनल नहीं है ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको पिछली बार रेड में किया था, उनको ब्लू में रखा है और उसके बाद में जो ब्लू में थे उनको सबको मैजेंटा कलर कर दिया है। तो यहाँ पर जो रेड जोन है, रेड प्लस ब्लू जोन है, उसकी कंडीशन थी आई प्लस जे लेस देन एन, मीन्स जे लेस देन एन माइनस आई, लेकिन अब सिर्फ रेड जोन अब जो प्रेजेंट में रहा है उसकी कंडीशन क्या हो गई, आई प्लस जे लेस देन एन माइनस वन, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हट गए तो यहाँ जे लेस देन एन माइनस आई प्लस वन हो गया है। और अब हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो जैसे पिछली बार किया था, यहाँ हम जब j लेस देन n माइनस आई माइनस वन है उसमें वाइट स्पेस प्रिंट करेंगे और बाकी केस में मतलब ब्लू एंड मैजेंटा को प्रिंट करने के लिए हम अपनी कंडीशन लगा देंगे कि j है वो स्टार्ट हो रहा है n माइनस आई प्लस वन, आई माइनस वन से, मतलब j i प्लस j है वो ग्रेटर देन n माइनस वन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस वन है, मतलब j इज लेस देन n माइनस आई प्लस माइनस वन, ये इस तरह से है। अब इसको हम देखें तो हम ये एक एग्जाम्पल प्रिंट करके देख लेते हैं कि रियल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं मेरे टर्मिनल पे चला जाता हूँ और वहाँ पर ये एग्जाम्पल प्रिंट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है और ये मैट्रिक्स यहाँ AI जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को इस तरह से प्रिंट कर रही है जैसे सबसे शुरुआत में हमने एक मैट्रिक्स ली थी जिसमें एलिमेंट्स 1-1 से स्टार्ट होकर 1-7 तक जा रहे हैं, तो ये 0 की बजाय 1 प्रिंट कर रहा है। ये कैलकुलेशन इसी तरह से किया है कि ये मैट्रिक्स है उसमें I को 10 से मल्टीप्लाई करके J ऐड कर दें तो I दहाई के अंक पर पहुँच जाएगा, I इकाई पर रहेगा, J इकाई पर रहेगा और उसमें 11 ऐड कर दिया जिससे 0-0 है वो 11 बन जाए। यहाँ पर ये थोड़ा सा बदलाव इसलिए रखा गया है क्योंकि यदि 0 रखूँगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँगा तो फर्स्ट रो में सिर्फ जे प्रिंट होगा क्योंकि 1-9 जो एलिमेंट्स हैं उनमें 0 लेफ्ट साइड में मैन्युअली प्रिंट करने पर प्रिंट होता है, अदरवाइज प्रिंट नहीं होता। हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट की कंडीशन में चेंज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे 2D उसको भी प्रिंट करना है, वहाँ 0 के लिए जो भी प्रिंट है स्टेटमेंट में कंडीशन है वो लगानी पड़ेगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब इसको प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं ये क्या करता है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको कंपाइल किया और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये देखो सिंपल मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहा है जो 1-1 से स्टार्ट होकर 7-7 तक जा रही है। अब हम इस प्रोग्राम में कुछ एक चेंजेज करते हैं। ये कैसे प्रिंट कर रहा है तो ये देखो आई पर एक लूप चल रहा है, उसके अंदर जे पर दूसरा लूप चल रहा है और फिर ए आई जे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है एंड देन
ए आई जे को प्रिंट कर रहा है, और हर रो प्रिंट होने के बाद में आई की नेक्स्ट वैल्यू आने से पहले ये न्यू लाइन में जा रहा है। अब हम अपनी पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? तो पहली अपनी थी कि ये ऑफ डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएं, मतलब आई प्लस जे है वो लेस देन एन के लिए प्रिंट हो जाए, तो वो कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ हमने जो कंडीशन लगाई है जे लेस देन एन की, वहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं आई प्लस जे लेस देन एन। और अब हम चेक करते हैं कि क्या चेंज आया। तो ये कंपाइल किया मैम इसको, प्रोग्राम को, और रन किया तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट प्रिंट हुआ है, नीचे वाला प्रिंट पार्ट मैट्रिक्स का गायब हो गया है। इसी कंडीशन से लिख सकते हैं कि जे लेस देन एन माइनस आई, इससे कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि सेम ही कंडीशन हमने अप्लाई की है। तो ये कंपाइल और रन करके हमने देखा आउटपुट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि कंडीशन सेम लगी है। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट था कि यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाने की बजाय हम यहाँ पर लिख दें इफ J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस i कंटिन्यू। तो इसमें क्या होगा, J जो कंडीशन यहाँ से हम आउट कर रहे थे, यहाँ से आउट कर रहे हैं कि उस कंडीशन में ये कंटिन्यू प्रोग्राम प्रिंट कुछ भी ना करे। तो हम फिर से चेक करते हैं और वो ही आउटपुट आ रहा है। यहाँ ये कंडीशन देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लिया है कि उन जहाँ पहले हम उस कंडीशन को स्किप कर रहे थे, यहाँ कंटिन्यू की जगह इस प्रोग्राम में ब्रेक भी काम करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है क्या। तो यहाँ लिख दिया ब्रेक, ये भी ठीक काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लाइन ख़त्म होने के बाद लग रही है, तो ब्रेक मतलब उससे बाहर आ जाता है। तो ये कंडीशन हो गई इसकी जो पहले कंडीशन यहाँ लगाई थी उसकी ऑपोजिट, वहाँ वो कंडीशन फुलफिल होते ही आउट आता है, यहाँ ये कंडीशन फुलफिल होने पर आउट आता है, मतलब बात एक ही है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। यहाँ हम करते हैं जो अभी प्रिंट किया था, जैसे ये अभी प्रिंट किया है, इसमें इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा प्रिंट ना हो और नीचे जो स्किप हो रखा है वो पार्ट प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले करके देखते हैं। यहाँ एन माइनस आई माइनस वन के लिए प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ और स्पेस सिंगल स्पेस विद टेब। विद टेब इसलिए कि टेब यहाँ पर भी दे रखा है, इसलिए मैं टेब दे रहा हूँ। तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ उठपटांग सा प्रिंट होगा। ओ सही है, उठपटांग प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हम पिछली बार कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन इस बार साथ में ये प्रिंट होने के बाद नीचे वाला भी प्रिंट हो रहा है। तो नीचे वाली लाइन को हम डाल देते हैं एल्स में और अब चेक करते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो अब कुछ समझने लायक प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अब ये हुआ है कि वो स्किप हो गए जो हम प्रिंट करना चाह रहे थे। अब यहाँ आने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में पहले पूरा प्रिंट हो रहा था उसमें बाकी सब प्रिंट हो, और अब जो प्रिंट हो रखा है ये पार्ट स्किप हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एल्स में लिखना होगा प्रिंट एफ और यहाँ एक वाइट स्पेस प्रिंट करना होगा स्पेस एंड टेब। और जो हमने स्पेस एंड टेब प्रिंट किया है इसकी जगह ये नीचे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमें लिख देना होगा। नीचे वाले स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं और अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली एंड रन किया, तो हम जो चाहते थे जो पहले प्रिंट हो रहा था वो सारा हट गया और ये पार्ट प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी हम चाह रहे हैं वो
प्रिंट हो रहा है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट पर आने के लिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तो फिर से चेंज क्या करेंगे, तो इन दोनों लाइंस को हटा देते हैं और अब एक बार हम फिर अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये सक्सेसफुली सही प्रिंट हो रही है। और अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले जो हैं इनको हटाना है, जिनके लिए हमने कंडीशन क्या लगाई थी, J इज लेस देन और इक्वल टू I। तो हम अपनी मैट्रिक्स में यहाँ पर कंडीशन को बदल देते हैं, J लेस देन इक्वल टू N है, इसकी जगह हम लिख देते हैं J लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू I। और अब चेक करते हैं, तो ये कंपाइल किया और रन किया और ये सक्सेसफुली डायगोनल के नीचे वाले मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो गई है जो कि हम चाहते थे। अब हम इसको दूसरे तरीकों से चेक करते हैं। मैं ये कंडीशन यहाँ एन की ही कंडीशन रख लेता हूँ और यहाँ प्रिंट करने के लिए कंडीशंस को बदल देता हूँ और वो कंडीशन क्या रख देता हूँ, इफ़ जे इज लेस देन और इक्वल टू आई तो ये प्रिंट हो जाए और एल्स में कंटिन्यू हो जाए। चेक करते हैं, ये अब भी वैसा ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने दूसरा तरीका, यहाँ कंटिन्यू की जगह ब्रेक करके देखते हैं और अब भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ कंटिन्यू लिखने का मतलब है हम अपनी मशीन का टाइम ज़्यादा ले रहे हैं और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मशीन का टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अब हम करते हैं कि यहाँ से इक्वल टू साइन हटा देते हैं, ये इफ था, इसमें से इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स थे वो भी प्रिंट नहीं होंगे। चलो चेक कर लेते हैं, ये प्रोग्राम को कंपाइल किया और ये रन किया, हमने देखा डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट नहीं हुए। अब हमें सिर्फ ऊपर वाले प्रिंट करने हैं जो अभी प्रिंट नहीं हुए हैं वो प्रिंट करने हैं और इन सब को हटाना है। तो हम अपनी कंडीशंस को बदल देते हैं, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर कंटिन्यू लिख देंगे, कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट वाइट स्पेस प्रिंट कर देंगे स्पेस एंड टेब, और जो ब्रेक लिखा था उसकी जगह ये मैट्रिक्स एलिमेंट है उसको हम प्रिंट कर देते हैं। और अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये कंपाइल किया और ये किया रन और जो आउटपुट हम चाहते थे वो हमें मिल गया। इस तरह के आप भी कोई टेस्ट करना चाहते हो या आपको भी इस तरह के कुछ सुझाव हैं या आप कुछ प्रिंट नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरह कुछ प्रिंट आउट चाहते हो लेकिन प्रिंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या पर्सनली मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये हुआ मैट्रिक्स को डिफरेंट वेज में जैसा हम चाहते थे वैसा प्रिंट करना। अब हम ऐसा क्यों चाहते थे, तो इसके लिए मैं वापस आता हूँ मेरे स्लाइड्स पे। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने x की कुछ वैल्यूज रखी हैं, लिखी हैं जिनके जिन वैल्यूज़ को 1, 2, x की वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज हैं 1 at 27, 64, 125, 216 and 343। इनको मैं x की वैल्यूज को x0, x1, x2, x3, x4 इस तरह से कह दूँ, y की वैल्यूज को y0, y1, y2, y3, y4 इस तरह से कह दूँ, तो डेल्टा y की वैल्यूज जो लिखी हैं मतलब ये इनका डिफरेंस है। ये लिखा है मैंने 8 माइनस 1 को 7 लिख दिया, 27 माइनस 8 को 19 लिख दिया, 64 माइनस 27 को 37 लिख दिया एंड 64 माइनस 27 को 37, 125 में से 64 कम करने पर 61, 217 में से 125 घटाने पर 91 एंड 343 में से 216 घटाने पर 127। फिर इनका सेकंड लेवल डिफरेंस, तो 19 में से 7 कम किया 12 है, 37 में से
19 सब्सट्रैक्ट किया तो 18, 61 में से 37 सब्सट्रैक्ट किया तो 24, 91 में से 61 सब्सट्रैक्ट किया तो 30 एंड 127 में से 91 को सब्सट्रैक्ट किया तो 36। इससे नेक्स्ट लेवल पे जब डिफरेंस देखा तो इन सब का डिफरेंस 6 है तो 6 आया और उसके बाद में डिफरेंस 0 रहेगा, जो आगे वाले लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हम यदि प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम इस तरह की चीज़ों को स्किप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो डिफरेंस का ऑर्डर है वो यहाँ इनिशियली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने लिए हैं उससे एक कम होगा। तो यदि हम यहाँ इनिशियली हमने 7 एलिमेंट्स लिए हैं तो ये डिफरेंस का ऑर्डर है वो 6 तक रहेगा। ये मैट्रिक्स जो बनी है ये 7x7 की ही बनी है, क्योंकि यहाँ 0 तो 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने को है वो है यदि हम यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का डिफरेंस देखें। यहाँ डेल्टा एक्स ध्यान रखना सबका सेम रहेगा, मतलब किसी भी दो का डिफरेंस सेम है उसके लिए हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उसको यदि मैं डीवाई बाई डी एक्स कहने लग जाऊँ कह दूँ तो क्या रिजल्ट मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं हम डेल्टा 3y जो है ये इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है और वो 6 है, ये 6 हो गई है और डेल्टा एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट 1 है। तो इस तरह से हम यदि लिखें तो हमें यदि और ये रिप्लेसमेंट भी हम कर रहे हैं तो d3y/dx³ ये मिलेगा हमें 3, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y=x³+c1x² + c2x + c3। यहाँ c1 c2 c3 हैं वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं। आप कैलकुलेशन करो तो आपके यहाँ c1 की बजाय c1/2 आ सकता है। यहाँ एक गलती हो गई है, d3y/dx³ है ये 6 लिया है मैंने शुरुआत में, ये टाइपो यहाँ हो गया है स्लाइड्स बनाते टाइम, तो यहाँ 6 मान कर चलें तो ये इक्वेशन आएगी और आपको c1/2 मिल सकता है, वो एक कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने c1 ही लिख दिया है। और अब इसमें मैं ये वैल्यूज रखूँगा, ये जो अपनी इक्वेशन आई है इसमें ये वैल्यूज रखूँगा 1128 37, तो हमें इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी एंड फाइनली c1 c2 c3 की वैल्यू 0 मिलेगी। इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो मिलेगी y=x³। और इसी तरह से अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, ये तो मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यूज का एग्जांपल लिया, अब उसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं वो मैंने इसलिए लिया था कि हम वाई की बात वाई और एक्स में एक रिलेशन स्थापित कर चुके हैं और उससे एक्स की कोई वैल्यू जो यहाँ अपनी टेबल में नहीं थी उसके लिए भी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंटल यदि डाटा लेते हैं तो उसमें इंटरपोलेशन के लिए इस तरह का काम में लेते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं और अब जहाँ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हमने जनरल डिफरेंस लिया है और यहाँ पर एक्स की वैल्यूज को x0 x1 x2 x3 x4 x5 लिख दिया है, y की वैल्यूज को y0 y1 y2 y3 y4 y5 लिख दिया है, और जब डेल्टा y लिखा तो डेल्टा y को डेल्टा y0 सबस्क्रिप्ट के साथ लिख रहा हूँ, डेल्टा y0 इज y1 - y0, डेल्टा y1 = y2 - y1 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख दिया। d2y जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का डिफरेंस है तो d2y0 = δ y1 - y0, इसी तरह से थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर एंड फिफ्थ ऑर्डर को नीचे लिख दिया है, ये इस तरह के डिफरेंस हम लिखेंगे इनको इन जनरल। यदि जनरल फॉर्म में इसको लिखूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं डेल्टा डेल जे वाई आई, मतलब आईथ रो का डिफरेंस, आईथ रो में डिफरेंस, जैसे देखो फर्स्ट रो में डिफरेंस 0 डिफरेंस है, सेकेंड रो में 1 है, जो भी हम प्रोग्रामिंग के हिसाब से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेल जे वाई जे जे यहाँ डिफरेंस का लेवल है, जैसे ये डेल वाई 1 है, ये सेकंड लेवल डिफरेंस है, ये थर्ड लेवल डिफरेंस है, इस तरह से डेल जे वाई मतलब जेथ डिफरेंस वो इन आईथ रो क्या होगा। तो यहाँ ऊपर वाली टेबल से हम देख सकते हैं ये जे माइनस 1th डिफरेंस और किस का डिफरेंस होगा, जे माइनस 1th का मतलब पिछले डिफरेंस का, और सबस्क्रिप्ट है वो जो हम जिस रो में देख रहे हैं उससे नेक्स्ट वाली रो के एलिमेंट से उस रो वाले एलिमेंट को घटा दिया जाएगा, मतलब जे आई प्लस 1th रो से आईथ रो के एलिमेंट को घटाया जाएगा और जो डिफरेंस आएगा वो हम लिख देंगे, ये ऊपर देख सकते हैं। यदि हम मैं इसको रिप्लेस करें मैट्रिक्स फॉर्म में तो मैं रिप्लेस करूँगा डेल जे वाई आई को वाई आई जे से, या आई जे प्रोग्रामिंग की भाषा में इसकी सबस्क्रिप्ट है, सी प्रोग्रामिंग में इसकी सबस्क्रिप्ट है, मतलब वाई की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसको फर्स्ट सबस्क्रिप्ट लिया और जो डिफरेंस की सबस्क्रिप्ट थी उसको सेकंड सबस्क्रिप्ट लिया। मैं ये पैटर्न अपना रहा हूँ और इससे लिखूंगा तो एज एन मैट्रिक्स एलिमेंट, और इस फॉर्म में हम लिखें तो ये ऊपर वाला जो डिफरेंस है इसको हम लिखेंगे yij = yi + 1j - 1 - yij - 1, ये सबस्क्रिप्ट जो हैं
ऊपर हमें सब और सुपर के फॉर्म में दिख रही हैं, लेकिन यहाँ हम सब को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। और इस तरह से हमें जो कैलकुलेशंस हैं वो कॉलम वाइज करनी पड़ेंगी, यहाँ रो वाइज कैलकुलेशंस नहीं होंगी। पहले जीरोथ कॉलम है ये हम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रो वाइज कैलकुलेशंस नहीं होंगी। तो जो मैट्रिक्स प्रिंट करते समय कंडीशंस लगाई थी वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन के लिए भी कंडीशन लगानी है, और ये रो वाइज चलने की बजाय कॉलम नंबर फिक्स होके कॉलम वाइज चलेगी। मतलब ए जे की वैल्यू फिक्स होगी और आई की वैल्यू हम वेरी करेंगे, फिर ये पूरे कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से आगे हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे। ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले, आगे वाले में से वर्तमान को घटाना। जिस रो की का डिफरेंस हमें निकालना है तो उससे आगे वाले एलिमेंट का डिफरेंस उसके उसी रो के एलिमेंट से में घटाएं तो हमें उस रो का डिफरेंस मिलता है। इसी तरह से एक है बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस में हम यहाँ जो जिस रो का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं उस रो के पिछले डिफरेंस के एलिमेंट में से उससे एक पीछे वाली ऊपर वाली रो जिसमें सबस्क्रिप्ट वैल्यू कम है उस एलिमेंट को घटाते हैं। मतलब डेल्टा वाई वन है वो वाई वन माइनस वाई जीरो हो जाता है, डेल टू वाई टू है वो डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन हो जाता है, या डेल इन जनरल हम लिखेंगे तो डेल जे वाई आई जो है वो डेल जे माइनस वन वाई आई माइनस डेल जे माइनस वन जे माइनस वन वाई आई माइनस वन हो जाएगा। तो ये है बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसको भी हमने प्रिंट कर दिया है, और इसमें भी जो मैट्रिक्स रिप्लेसमेंट है वो उसी तरह का होगा जो पीछे वाले में किया था, बस यहाँ सबस्क्रिप्ट है वाई आई जे इक्वल टू वाई आई जे माइनस वन माइनस वाई आई माइनस वन जे माइनस वन हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। और इसमें भी हम पहले कॉलम कैलकुलेट करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम देखें कि प्रोग्राम के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ प्रोग्राम के रूप में हम क्या करेंगे, पहले आई जे और एन को डिक्लेयर किया और उसके बाद में एन को रीड किया, मतलब हम कितने एलिमेंट्स देंगे उसको हम रीड कर रहे हैं, और उसके बाद में फ्लोट एक्स वाई एन एन मतलब एक दो एरे डिक्लेयर किए हैं, एक्स एक एरे है सिंपल एरे और वाई है वो एक स्क्वायर एरे है, और उसके बाद में एक लूप लगा के एक्स आई और वाई आई मतलब वाई देखो रीड किया है वहाँ आई को वेरी किया है कॉलम को जीरो कर दिया है उसको रीड कर लेंगे, और उसके बाद में कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहला लूप जे पर लगाया है जे इक्वल टू वन से जे लेस देन एन के लिए, और आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होके आई लेस देन एन माइनस जे तक जा रहा है। ये देखो ये कैलकुलेट कर रहे हैं रो, और यहाँ पर हम कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेंगे जो अपने रेंज में नहीं है। तो जो कंडीशन जे पर लगा रहे थे जे लेस देन एन माइनस आई उसकी बजाय अब हम कंडीशन लगा रहे हैं आई लेस देन एन माइनस जे, और इसी तरह से वाई आई जे इक्वल टू वाई आई प्लस जे जो भी फॉर्मूला लिखा था वैसा वैसा, और देन प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंट तुम ये एक्स्ट्रा देख रहे होंगे, आप लोग एक्स्ट्रा देख रहे होंगे क्योंकि ये प्रिंट पिछली जो मैट्रिक्स थी उसमें हमने एक्स को प्रिंट नहीं किया था, मतलब एक मैट्रिक्स को प्रिंट किया था, इस बार उसके साथ में एक और एरे को प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हमने एक्स यहाँ पर लिख दिया है। और इस तरह से हम उस मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर लेते हैं, एंड देन लास्ट में पुट्स लिखा है, ये न्यू लाइन के लिए लिखा है कि जब सब प्रिंट हो जाए तो वो प्रॉम्प्ट है वो न्यू लाइन में चला जाए। तो ये है अपना डिफरेंस टेबल। इसके लिए अब मैं प्रॉम्प्ट हो रहा हूँ कि मैं इसका प्रोग्राम दिखाऊँ। तो यहाँ पर डिफरेंस टेबल नाम से एक प्रोग्राम है डिफरेंस टेबल डॉट सी, तो ये प्रोग्राम है, इसमें जो अभी हम प्रोग्राम देख रहे थे वही है। तो यहाँ पर आई जे एन को डिक्लेयर किया, एन को रीड किया, एक्स एंड वाई एरेज को डिक्लेयर किया, आई एक्स एक सिंगल डायमेंशन एरे है, वाई टू डायमेंशन मतलब मैट्रिक्स फॉर्म के एरे है, उसके बाद में एक्स आई और वाई आई जीरो को रीड किया, आई जीरो जीरो मीन्स कॉलम जीरोथ कॉलम, उसके बाद में फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो जे की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं और फिर आई के लिए वेरी कर रहे हैं पूरे को और कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जब ये पूरी कैलकुलेशंस हो गई उसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करते समय अपने पास कॉलम वाइज प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं होता, होता है लेकिन उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जो ये हम बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी जो
एस्केप सिक्वेंसेज यूज कर रहे हैं, इनको एस्केप सिक्वेंसेज कहते हैं, तो वो डिफरेंट एस्केप सिक्वेंसेज हमें यूज करनी पड़ेंगी। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली रो वाइज प्रिंट कर लेते हैं। रो वाइज प्रिंट करना बहुत ज़्यादा आसान रह जाता है, अदरवाइज हमें एस्केप सिक्वेंसेज का, एक्स्ट्रा एस्केप सिक्वेंसेज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैं आगे इस प्रोग्राम में और भी लिख रखा है मैंने बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी, लेकिन उसको मैंने कमेंट कर रखा है पूरे प्रोग्राम को, और यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और अब हम करते हैं इसको रन। तो ये रन होने से पहले पूछ रहा है कि इनपुट वैल्यूज दो, तो अब हम इनपुट वैल्यूज देते हैं और इनपुट वैल्यूज के लिए देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो हम दे देते हैं 7 वैल्यूज, और जो हम पहले देख रहे थे वो वैल्यूज इनपुट में देते हैं 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125 6 216 7 343, और ये हम देख रहे हैं कि आउटपुट ठीक वैसा ही आ गया है, एक डिफरेंस टेबल प्रिंट हो गई है। लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग में हमें ये 00 भी प्रिंट होकर मिले हैं, इसका मतलब है हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट करते समय यहाँ कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाले 0 हमें प्रिंट नहीं करने थे। तो मैं प्रोग्राम में एक बार देख लेता हूँ क्या चेंज किए, क्यों प्रिंट हो गए। तो यहाँ देखो कंडीशन है वो यही लगी हुई है, जे लेस देन एन, यहाँ मैं जे लेस देन एन माइनस आई कर देता हूँ तो अब वो वैल्यूज नहीं आएंगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ इनपुट में 7 देन 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125 6 216 एंड 7 343। तो ये देखो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिंट में नहीं आई हैं। हम कुछ और डाटा लेके देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से मैं 5 पॉइंट्स ले लेता हूँ, और एक्स और वाई की वैल्यूज हैं ये कुछ डिफरेंट वे में लेता हूँ। डिफरेंट वे में क्या वैल्यूज लूँ, तो मान लो मैं ये वैल्यूज लेता हूँ, जो साइन एक्स होता है उसकी वैल्यूज ले लूँ। तो साइन एक्स की वैल्यूज किस तरह से लें, हम डिग्री में ले लेते हैं, तो 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और बाद में 30 डिग्री पे साइन 30 की वैल्यू होती है वह है 0.5। तो यहाँ 0.5 इनपुट में दे देता हूँ, देन 45 की, अच्छा यहाँ 45 नहीं दे सकता फिर, तो मैं इसको एक बार क्विट कर रहा हूँ और मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं दे सकते, ये डिफरेंस टेबल हम उस डिफरेंस के लिए निकाल रहे हैं जहाँ ये जो डिफरेंस है ये फिक्स है, मतलब एक्स एक्सिस का डिफरेंस है वो इक्वल रहना चाहिए। तो हम इस तरह की वैल्यू नहीं ले सकते जिसमें 30 के बाद में 45 आए, क्योंकि पहला डिफरेंस 30 डिग्री का हो गया, दूसरा 45 का, इसलिए हम ये डिफरेंस 15 का रख के और इनपुट दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 वैल्यूज ही दे देता हूँ, चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ 0 पे 0, 15 यदि एक्स की वैल्यू है तो साइन एक्स की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.2588, देन 30 के लिए वैल्यू होती है 0.5, या एंटर की दब गई तो दोबारा नीचे देना पड़ा, देन 30 के लिए हो गया, देन उसके बाद में 45, तो 45 के लिए साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, एंड देन 60, तो 60 के लिए वैल्यू होती है जो साइन 60 की वो होती है 0.866, एंड देन 75, और 75 के लिए जो वैल्यू होती है साइन 75 की वो, मतलब डिग्री में ले रहा हूँ ये, तो 0.966 ऑलमोस्ट ये होती है, मतलब 9659 ये लिख सकते हैं, और देन 90, तो 90 पे साइन 190 की वैल्यू होती है 1, और ये आ गया आउटपुट। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये गड़बड़ हो गई कि ये प्रिंट ज़्यादा बड़ा आ रहा है,
तो ये आगे वाला लाइन में चला गया है। तो इस डिफरेंस को भी ठीक करने के लिए हम अपनी डिफरेंस टेबल में एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 0.3 लिख देते हैं जब प्रिंट कर रहे हैं, कि 3 डिजिट से ज़्यादा प्रिंट ना हो। तो अब हम देखते हैं आउटपुट, तो यहाँ आउटपुट फिर से हमें देना पड़ेगा इनपुट सारा, तो 0 0 देन 15 0.2588 30 पे 0.5 45 पे 0.707 देन 60 पे 0.866 देन 75 और 75 पे वैल्यू होगी 0.9659 एंड 90 पे वैल्यू होगी 1। तो अब हम देख रहे हैं ये आउटपुट बड़ा साफ सुथरा आ रहा है, ये इनपुट वैल्यूज अपनी थी, देन इनका डिफरेंस आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सारा नेगेटिव है, देन थर्ड ऑर्डर डिफरेंस भी नेगेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस पॉजिटिव है एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस बहुत कम हो गई है वैल्यूज, लेकिन ये वैल्यू इसीलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई है, और देन सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंस। तो ये साइन एक्स की डिफरेंस वैल्यूज हैं, और अब ये इन्हीं से हम एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन कर सकते हैं, लेकिन इंटरपोलेशन पे बाद में आएंगे हम, पहले हम आते हैं देखते हैं कि इसको बैकवर्ड डिफरेंस में कैसे चेंज करें। तो हम अपनी इसमें प्रोग्राम में यहाँ पर नीचे बैकवर्ड डिफरेंस के लिए प्रोग्राम लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्या चेंज किया है ये देखने के लिए हम एक बार स्लाइड्स पे चले जाते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस पे जानने के लिए हमें ये चेंज करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ मार्क कर रखा है। तो यहाँ मार्क कर रखा है कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ एक तो कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर आई लेस देन एन माइनस जे नहीं, अब डिफरेंस ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में जाना है, तो वो उस तरह का चेंज करना पड़ेगा, सिमिलर चेंज यहाँ इसमें करना पड़ेगा जो कि अपना कैलकुलेशन पार्ट है। क्या उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आई प्लस वन की जगह आई एंड आई की जगह आई माइनस वन करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रिंट कर रहे हैं वहाँ भी जे लेस देन इक्वल टू आई लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी आई लेस देन इक्वल टू जे लिखना पड़ेगा, ये चेंजेज हमें करने पड़ेंगे। तो ये चेंज कर देते हैं, और यहाँ ये चेंज इस तरह से किए हैं, देखो आई जे इक्वल टू जे से स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड आई लेस देन इक्वल लेस देन एन तक जा रहे हैं। ये उस कॉलम उस मैट्रिक्स को समझोगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर ये कैलकुलेटिव पार्ट प्रिंट चेंज कर दिया, और ये सारी लाइंस को चेंज कर दिया है। और अब हम इसको यदि प्रोग्राम को देखें तो प्रोग्राम में भी यही है, और प्रोग्राम में मैं इसको अनकमेंट करके इस पार्ट को कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। एक बार दोनों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को साथ में प्रिंट करके देख लेते हैं, और बाद में सिंपली उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो मैं पहले वाला अपना डाटा दे देता हूँ, सिंपली 7 और यहाँ 1 1 2 8 3 27 4 64 5 1 2 5 6 6 का 216 7 343। और यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस सक्सेसफुली ठीक तरीके से प्रिंट हो गए हैं। यदि मैं प्रोग्राम में फॉरवर्ड डिफरेंस वाले पार्ट को कमेंट कर दूं, इस पार्ट को कमेंट कर देता हूं, तो सिर्फ बैकवर्ड डिफरेंस ही प्रिंट होगा, बैकवर्ड डिफरेंस प्रिंट होगा। तो ये फिर से चेक कर लेते हैं, और यहां पर वही वैल्यूज देते हैं 7 1 1 2 8 3 27 4 64 5 1 25 6 216 7 343। ये मैं नॉन वैल्यूज इसलिए दे रहा हूँ जिससे ये डिफरेंस आसान रहे, आप भी ये कैलकुलेट करके हाथ से देख सको, अदरवाइज यहाँ एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशन हैं वो इतने शार्प कि मुझे पहले से पता है एक्स क्यूब है या साइन एक्स है, ये नहीं होता। तो रियल ऑब्जर्वेशन हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, और जैसे ऑब्जर्वेशन हैं उनके अनुसार अपनी डिफरेंशियल वैल्यू जो भी डिफरेंस की वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। तो एक एडजस्टेबल वैल्यू होती है, जैसे एक्स की वैल्यू हमने एडजस्ट कर दी, और वाई की कोरस्पॉन्डिंगली
वैल्यू को हम वेरी करके देख रहे हैं। तो ये है एक कैलकुलेशन का अपना मेथड। और अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे फिर से। तो यहाँ पर अब देखो ये जो हमने कैलकुलेशंस की हैं ये कहाँ काम आती हैं, तो इसकी पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैंने बता दी। और अब इसी के लिए है न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फार्मूला। ये न्यूटन्स ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फार्मूला जो है, ये जो हमने अक्स की रेंज ली है उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 ली इनपुट में, तो किसी और वैल्यू पे हमें यदि वैल्यू कैलकुलेट करनी हो इस डिफरेंस मेथड से, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला सिंपली टेलर सीरीज एक्सपेंशन से ड्राइव किया जा सकता है। इसको आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन से ड्राइव कर सकते हो, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन से भी ये ज़्यादा आसान है। सिंपली आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसमें भी दो फॉर्मूला है, एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया, इसी तरह से इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, एक सेंट्रल इंटरपोलेशन भी है। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या है, फॉर्मूले में है वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई जीरो प्लस एन सोन। इस तरह से लास्ट टर्म आएगी यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल एन वाई जीरो। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस, जहाँ यू है उसकी वैल्यू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, और एच क्या है, किन्हीं भी दो कर्मोत्तर टर्म एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस है, जैसे एक्स वन माइनस एक्स जीरो कह दो, या एक्स आई माइनस वन कह दो, या एक्स एन माइनस वन कह दो, जो भी दो कर्मोत्तर डिफरेंस, क्योंकि सारे डिफरेंस सेम लिए थे एक्स में। और इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है बैकवर्ड डिफरेंस का, तो वहाँ यहाँ चेंज हो जाता है ये यू यू माइनस वन, यू माइनस जो समथिंग है उसकी जगह यू प्लस हो जाता है, तो यू यू प्लस वन और लास्ट टर्म में यू प्लस एन माइनस वन। ये देखो ये कंबाइंड है, यू माइनस एन माइनस वन एक साथ है, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं यू माइनस एन प्लस वन हो गया, यहाँ वो एन माइनस वन है तो एन माइनस वन ही रह गया। और दूसरा चेंज जो है वो सबस्क्रिप्ट डेल्टा वाई की में है, यहाँ ये गलती से वाई जीरो ही रह गया है, यहाँ वाई एन समझ लेना फॉर्मूले में, तो यहाँ ये जो सबस्क्रिप्ट है ये डे यू डेल वाई एन प्लस यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई एन एंड सोन लास्ट में डेल एन वाई की सबस्क्रिप्ट यहाँ मेरी स्लाइड्स में गलत है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर यू है उसकी वैल्यू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, वेयर एच इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स जीरो होगा। ये होगा इस तरह से फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को उसी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज वर्क फॉर यू, आप कीजिएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा आपने किया या नहीं किया, किया तो क्या दिक्कत आई, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। हाँ, यदि आपको टाइम नहीं मिले, कोशिश नहीं की, तो आप जब भी टाइम मिले और कोशिश करने मन हो कोशिश कीजिएगा, कहीं दिक्कत आई तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, बाय।